व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज का जो टॉपिक होगा गाइस, दैट विल बी अबाउट बाइक माइलेज। मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ टू मेंटेन योर बाइक माइलेज इन अ गुड वे, या फिर आपको अगर माइलेज कम आ रहा है वो क्यों, द रीज़न बिहाइंड इट, तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू दैट आप लोगों ने मेरा जो पिछला जो टायर का वीडियो था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो वेरी मच। बस ऐसे ही सपोर्ट देते रहो ताकि मुझे मोटिवेट होकर मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पॉइंट नंबर वन, गेट योर बाइक सर्विस रेगुलरली एट अ राइट इंटरवल ऑफ टाइम। लिसन केयरफुली, एट अ राइट इंटरवल ऑफ टाइम। कोई लोग सर्विसिंग करते हैं मंथ टू मंथ, या फिर दो महीने बाद, तीन महीने बाद। इफ़ यू आर कवरिंग 30 किलोमीटर्स डेली, यू हैव टू सर्विस योर बाइक इन एवरी मंथ। तो सर्विसिंग में आप देख सकते हो, ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज। ऑयल फिल्टर कभी कभार चेंज करते हैं, लेकिन वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम जो ऑयल यूज़ करते हैं उसमें सम ऑफ द इम्प्योरिटीज रहता है। सो दैट इज द रीज़न वी यूज़ ऑयल फिल्टर, एंड दैट वो कोई कोई मैकेनिक क्लीन नहीं करते। सो यू हैव टू टेल देम टू क्लीन द ऑयल फिल्टर। एज यू कैन सी, दिस इज़ द ऑयल फिल्टर, और अगर ये ख़राब होता है देन यू हैव टू रिप्लेस इट। अदरवाइज जितने भी इम्प्योरिटीज आपके ये ऑयल में होगा, योर इंजन विल गेट डैमेज। और गाइज, सर्विसिंग आपको माइलेज ही नहीं बढ़ाएगा, आपका इंजन का लाइफ भी बढ़ाता है। सो प्लीज डू सर्विसिंग एट राइट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द नंबर वन पॉइंट। तो नंबर टू, दैट इज कार्बोरेटर सेटिंग। सो एज यू गाइज कैन सी, दिस इज अ स्मॉल नट, यू कैन एडजस्ट दिस नट विथ योर स्क्रू ड्राइवर। सो ये नट क्या करता है फंक्शन, लेट मी टेल यू गाइज। अगर आप इसे टाइट करोगे, द फ्यूल विच इज कमिंग फ्रॉम द टैंक टुवर्ड्स द कार्बोरेटर विल बी लेस, या अगर आप इसे खोल दोगे तो ज़्यादा जो पेट्रोल है आपके टैंक से वो कार्बोरेटर में जाएगा। दैट मीन्स द फ्यूल कंजप्शन विल इंक्रीज इफ़ यू लूज दिस नट। इसे सही तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका मैकेनिक ये भूलता है ये करने के लिए, यू हैव टू रिमाइंड हिम दैट चेक द सेटिंग ऑफ द कार्बोरेटर। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द माइलेज ऑफ योर बाइक। ये आप एक बार करके देखो, खुद के मत करना, मैकेनिक को पूछो कि कैसे टाइट करें या फिर कितना टाइट करना चाहिए। सो नंबर टू। हाँ, तो द थर्ड पॉइंट विल बी गाइज, टायर प्रेशर। यू हैव टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ योर टायर। अगर आपका जो टायर में अगर प्रेशर कम होगा, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द माइलेज ऑफ योर बाइक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टायर प्रेशर इन योर बाइक। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, दैट विल बी ऑलवेज यूज अ गुड क्वालिटी फ्यूल। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओगे देन प्लीज ट्राई टू फिल अ गुड फ्यूल। अगर आप बोलोगे पेट्रोल पंप पे गुड और बैड फ्यूल कैसा है, तो आप शेल पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूल फिलअप करोगे, दे यूज़ गुड फ्यूल। ज़्यादा करके लोग शेल पे जाते नहीं है बिकॉज इट्स कॉस्टली, फिल दैट बस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपको एक अच्छा फ्यूल मिलेगा आपके बाइक में। फिर आप देख लो आपका जो एवरेज है वो ज़रूर बढ़ेगा। यूज़ गुड फ्यूल। सो कितने नंबर हो गए, द फिफ्थ पॉइंट, दैट विल बी अवॉइड रैश ड्राइविंग। अगर आप जितना गाड़ी तेज चलाओगे या फिर जितना आप घटिया चलाओगे, आपको एवरेज घटिया ही मिलेगा। सो अवॉइड दैट। ऑलराइट गाइस, सो द सिक्स्थ पॉइंट इज, मेक श्योर दैट यू राइड योर बाइक इन इकोनॉमी पोर्शन। दैट मीन्स 40 किलोमीटर्स पर आवर। एज यू कैन सी दिस ग्राफ, द ग्रीन ग्राफ, दैट इज़ द इकोनॉमी पोर्शन। सो अगर आप 40 किलोमीटर के स्पीड पे अगर आप चलाओगे, डेफिनेटली आपका जो माइलेज है वो इंक्रीज ज़रूर होगा, बिकॉज यू आर यूजिंग लेस फ्यूल एंड यू आर राइडिंग अ बाइक इन अ कॉन्स्टेंट स्पीड, दैट इज 40 किलोमीटर। 40 या फिर 60, इफ़ यूर सी सी इज 125, देन यू कैन राइड एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। इफ़ यू हैव अ टू मोर देन 200 सी सी, देन 60 किलोमीटर्स पर आवर।
that will be fine to get a good mileage. So try that. So by the seventh point will be, guys, whenever you are standing in a signal or कोई भी ट्रैफिक हो, ऑलवेज यूज किल स्विच टू ऑफ द इंजन. मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है किल स्विच से. आपका इंजन ऑफ होता है, फ्यूल कंजप्शन नहीं होगा. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग करते नहीं है. सिग्नल में या फिर किसी भी, अगर बहुत लंबी ट्रैफिक हो, ट्राई टू ऑफ योर इंजन गाइस. पेट्रोल यार बहुत महंगा मिल रहा है. अगर आप पेट्रोल ही नहीं बचा रहे हो तो आप एवरेज की तो बात करो ही मत. सिग्नल पे हो, 60 सेकेंड्स बाकी हो, ऑफ कर लो गाड़ी को, 60 सेकेंड्स के लिए क्रैश दे दो. लोग 60 सेकेंड्स भी रहे तो अपनी गाड़ी ऑन ही रखते, पता नहीं क्यों. सो ट्राई टू यूज़ अ किल स्विच. अगर आपके पास किल स्विच नहीं है आपके बाइक को, चाबी ऑफ करो. तो भाई 8th point, दैट इज बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो कम लोगों को पता है, दैट नेवर पार्क योर बाइक अंडर द सनलाइट. ऑलवेज ट्राई टू पार्क योर बाइक अंडर अ शेड. अगर धूप तेज होगी, आपका जो टैंक है वो गर्म होगा, टैंक के अंदर फ्यूल, इट विल गेट इवेपोरेटेड. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा. टेक सम वाटर इन अ बगुला, वॉट एवर यू कॉल, एंड ट्राई टू बॉयल दैट वाटर ऑन द गैस एंड बॉयल दैट वाटर. पानी बॉयल होगा, अगर आप उसे ज़्यादा देर के लिए और रखोगे, इट विल गेट इवेपोरेटेड. द सेम थिंग हैपन्स विद द पेट्रोल. योर टैंक इज द यूटेंसिल्स एंड द इनसाइड फ्यूल इज योर वाटर. जितना ज़्यादा वो गर्म होगा उतना ही जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा. सो नेवर एवर पार्क योर बाइक अंडर अ सन. अगर तेज धूप हो करना ही मत प्लीज. दिस इज द मेन पॉइंट. आई होप ये आपको पता होगा. अगर ये आपको पता हो तो एंड दैट्स गुड. अगर ये आपको पता नहीं था तो एक लाइक तो कर दो प्लीज. ऑलराइट गाइस, सो 9th point. 9th point इज सिमिलर टू point number 1. द point number 1 वॉज माई सर्विस. तो अगर आप अपनी बाइक सर्विस कर रहे हो तो सर्विसिंग में एक और पार्ट आता है, दैट लुब्रिकेशन. सो चेन लुब्रिकेशन, एग्जैक्टली. ट्राई टू फर्स्ट क्लीन द चेन कम्प्लीटली विथ पेट्रोल और वॉट एवर डीजल एंड या फिर चेन क्लीन का भी एक लिक्विड मिलता है. ट्राई टू क्लीन दैट एंड आफ्टर दैट लूब द चेन. एंड गाइज, नेवर यूज द ऑयल फॉर लुब्रिकेशन. ऑलवेज यूज चेन स्प्रे, बिकॉज ऑयल जो होता है वो बहुत चिपचिपाट होता है. अगर वो आपने चेन पर अगर आपने वो अप्लाई कर दिया, एंड इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक, चेन पे डस्ट बहुत ही आसानी से चिपक जाता है. तो वो डस्ट या फिर कुछ भी मिट्टी वगैरह वो तुरंत ऑयल पे चिपक जाता है. सो विच विल डैमेज योर चेन एज वेल एज द इंजन पार्ट्स ऑल्सो. सो ऑलवेज क्लीन योर चेन फर्स्ट. नेवर क्लीन योर चेन विथ वाटर. पानी से अगर आप क्लीन करोगे इट विल गेट रस्ट. बिकॉज ऑफ द चेन वी गेट मोशन. सो दैट्स द रीजन. जितना फ्री आपका चेन होगा उतना ही आपको एवरेज अच्छा मिलेगा. आया समझ में? हाँ भाई, तो द लास्ट पॉइंट विल बी गाइस, नेवर चेंज एनी ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स ऑफ योर बाइक एंड रिप्लेस इट अगेंस्ट अ डुप्लीकेट वन. बिकॉज व्हेन दे मैन्युफैक्चर्ड अ स्पेयर पार्ट, दे सिंक विद द इंजन, तब जाके वो उसी इंजन का स्पेयर पार्ट बनाता है. वो अगर आप डुप्लीकेट लगाओगे तो वो इंजन के लिए बहुत बहुत लोड होगा या फिर बहुत हल्का होगा. सो ऑलवेज यूज अ जेन्युइन स्पेयर पार्ट सो दैट यू गेट अ गुड एवरेज. डिजाइन अ स्पेयर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंजन कैपेसिटी और द इंजन टाइप. ऑलवेज यूज अ ओरिजिनल स्पेयर पार्ट. तो मैंने कितने पॉइंट बताए? 10 पॉइंट मैंने आपको शेयर किए गाइस. सो ये 10 पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट. ये कोई कोई लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं तो दिस इज द मेन 10 points from this you can maintain your average of your bike. So इससे अगर आपका average नहीं होता है, control में नहीं आता है, then एक ही solution है, नई गाड़ी ले लो. अभी क्या करें फिर? अगर आपका इतना करने से भी आपका अगर average ही नहीं आ रहा है तो you have to change your bike.
10 point is very very important guys, keep that in mind. I hope ये video आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो एक like ज़रूर कर देना. So thank you so much for watching this vlog guys, and please hit the like button if you like, और अगर नहीं तो आप dislike भी कर सकते हो, बस नीचे react करके ज़रूर जाना ताकि मुझे पता चले जो मेरा content है वो कैसा है. So and if you're loving my content, please don't forget to subscribe my channel. So thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ. Till then, drive safe. ये लोग बोलते हैं drive safe, but I will see you. Maintain your bike and drive safe. चलो. एक बगुना. It's a take some water in a dish.